हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th साइंस वीडियो लेक्चर। आई एम मुकेश बनानी एस केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? एलिमेंट which can lose electron easily, those element is known as metal. It means, like example की हम बात करें, sodium electron को lose करेगी और किस में convert हो जाएगी? Positive charge, जिसको हम cation कहते हैं। तो it means those element which can easily lose electron, so that's why those element is known as a metals. Similarly, non-metals की definition क्या हो जाएगी? Elements which can gain electron easily, known as non-metals. Like example की बात करें, fluorine electron को gain करेगी और किस में convert हो जाएगी? Negative ion में। Negative ion को हम क्या बोलते हैं? Anion कहते हैं। तो like this, F की power minus 1. So that's why we can say fluorine is a non-metal और sodium, magnesium, aluminium are example of metals. तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो कुछ एग्जांपल हमको याद रखने पड़ेंगे, जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड लेड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। तो कम से कम हमको मेटल के एग्जांपल याद रखने। अब क्या फिजिकल एक्टिविटी हमको यहाँ पे देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी? लाइक एक्टिविटी 1, टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करें तो शाइनी सरफेस हमको यहां पे देखनी है कि क्या कलर शो करेगी। तो इट मींस आयरन का कलर कैसा रहेगा यहां पे? ग्रे। कॉपर की बात करें तो रेडिश ब्राउन। इट मींस कॉपर का कलर कैसा रहता है? रेडिश ब्राउन रहता है। एल्यूमिनियम का सिल्वरी व्हाइट एंड मैग्नीशियम का अगेन ग्रे रहेगा। तो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, इट मींस कलर की, तो डेफिनेशन यहां पे दी हुई है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट have a shining surface. तो shining surface, this property is known as a metallic luster. तो आपको इस पेज पे एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है, define the metallic luster, जिसका आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि metal in their pure state have a shining surface, this property is known as metallic luster, और color भी हमको याद करने। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो क्या सिंबल्स हैं? आयरन का सिंबल क्या रहता है? Fe, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al एंड मैग्नीशियम का Mg। इट मींस अब हमको यहां पे कट करना है किसी शार्प टूल से, तो वी नो वेरी वेल जो मेटल रहती है वो कौन सी नेचर की रहेगी? हार्ड नेचर की रहेगी। ओके, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, चार मेटल्स को हमने लिया है यहां पे, आयरन को, जिंक को, लेड को और कॉपर को। प्लेस एनी वन मेटल और ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक इट 4 and 5 टाइम विद द हैमर, यानी हैमर से हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, और जब हम हैमर से करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट में। यानी डेफिनेशन की हम बात करें कि सम मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, अगर मैं इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकता हूं तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मलेबिलिटी। तो इट मींस यहां पे जो मेटल के हमने एग्जांपल लिए हैं, सारे के सारे क्या शो करेंगे यहां पे? मलेबिलिटी, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे यहां पे? थिन शीट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम 6, 7, 8 क्लास की प्रॉपर्टी में हम इसको पढ़ चुके। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी 3.4 की बात करें, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अगर मैं इसके बिल्कुल थिन वायर बनाना चाहूं ड्रॉन यानी खींच के, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि अभी हमने देखी, मलेबिलिटी, सिमिलरली डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या कर रहे हैं यहां पे? मेटल्स को ड्रॉन करेंगे, ड्रॉन करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन वायर से। अब सबसे ज्यादा डक्टिलिटी कौन दिखाएगा? तो यहां पे दिया भी हुआ है कि वायर ऑफ, इट मींस 2 किलोमीटर
कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का अगर मैं 1 ग्राम ले लेता हूं और 1 ग्राम से मैं इसको कंटिन्यूस ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं कितनी लेंथ का वायर यहां पे बना सकता हूं? 2 किलोमीटर। यानी सबसे ज्यादा बेस्ट डक्टिलिटी कौन सी मेटल शो करेगी यहां पे? गोल्ड शो करेगी। इट मीन्स यहां पे अब एक्टिविटी 3.5 को हम डिस्कस करें। टेक एल्यूमिनियम या कॉपर वायर, इट मीन वापिस ये मेटल्स के एग्जाम पर है, और क्लेम दिस वायर ऑन अ स्टैंड, जैसे कि आपको यहां दिख भी रहा है कि हमने ये वायर ले रखा है मेटल्स का, और यहां पे फिक्स कर रहे हैं पिन को। किस पे फिक्स कर रहे हैं? यहां पे हमने वैक्स लगा रखा है सरफेस पे, और वैक्स के थ्रू यानी मोम के थ्रू हमने पिन को यहां पे एक स्टिक किया हुआ है। अब दूसरे साइड पे हम क्या कर रहे हैं? बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल जो मेटल है वो क्या शो करेगी? कनेक्टिविटी को शो करेगी। यानी हीट का फ्लो होगा किस और डायरेक्शन की ओर होगा? राइट हैंड साइड भी होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी होगा। तो इट मीन सबसे पहले क्या होगा? वैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, और जो पिंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? फेल डाउन, नीचे गिर जाएंगी। तो इट मीन्स यहाँ पे ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जो मेटल्स हैं वो मेटल क्या शो कर रही है? यहाँ पे कंडक्टिविटी को यहाँ पे शो करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की हम बात करें, सबसे ज्यादा कौन दिखाता है यहाँ पे? सिल्वर दिखाएगा। जैसा कि हमने वहां पे देखा था डक्टिलिटी में दी बेस्ट कौन था? गोल्ड था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तभी तो हम मरकरी को हम किसमें यूज करते हैं? थर्मोमीटर में। अब एक्टिविटी 3.6 की हम बात करें, एक आपको डायग्राम दिख रहा है कि हमने एक सिस्टम यानी सर्किट को यहाँ पे अरेंज किया है। बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे एक बैटरी है, और वायर के थ्रू पे हमने एक बल्ब भी लगाया हुआ है, और ये हमारे पास स्विच है जो कि ऑन कंडीशन में। अब जो यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? पीसीस रखूंगा, लाइक सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ शोन इन फिगर 3.2। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। यानी ए और बी पे मैं क्या रखूंगा? मेटल के पीसीस रखूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे मेटल के पीसीस रखूंगा ए और बी पे, तो इट मीन्स, और मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है स्विच को, तो इट मीन बल्ब जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है? कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या रहती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। इसके बाद हम बात करें कि जो वायर्स है देट कैरी करंट इन योवर होम या अवर होम हैव अ कोटिंग ऑफ, किसकी कोटिंग रहेगी? पीवीसी की। तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहां हम बोल सकते हैं रबर की भी इसमें क्या रहेगा? मटेरियल क्या रहेगा। तो यहां पे आपको इस पेज नंबर 39 पे एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है आपको, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स जनरली। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, क्या आंसर है? पीवीसी, या हम बोल सकते हैं रबर लाइक मटेरियल। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसके बाद हम यहां बात करें द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। अगर मेटल पे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इट मींस हार्ड सरफेस क्या करेगा? यहां पे एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा। साउंड को प्रोड्यूस करेगा तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? सोनोरस कहलाएगी। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं स्कूल की बेल्स में, जब घंटी बजती है तो इट मींस वो जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? यहाँ पे सोनरस। तो हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स की हमको यहाँ पे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कौन कौन सी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है? लाइक कार्बन, कार्बन जो है नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये नॉन मेटल्स है। अब हम यहाँ पे बात करें कि सल्फर का कलर क्या होता है, तो कलर आपको याद होना चाहिए सल्फर का येलो, और आयोडीन का कलर कैसा रहता है? वॉयलेट। तो इट मीन्स ये बोर्ड में आए हुए कलर, तो आयोडीन का कलर वॉयलेट रहेगा और सल्फर पाउडर कलर कैसा रहता है? येल्लो रहता है। अब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 से 3.4। तो एक बार आप देखिए बुक में, 3.1 में हमने क्या देखा था? अपीयरेंस, कलर देखा था। तो इट मींस ग्रेफाइट के कलर की हम बात करें, तो कैसा कलर रहता है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो रहता है हमारी पेंसिल की जो टिप है वो किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। उसका कलर कैसा रहता है? ग्रे कलर। सल्फर का कलर मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा कलर है सल्फर का? येल्लो। आयोडीन की बात करें, आयोडीन का कलर कौन सा है? वॉयलेट। तो इट मींस सबसे पहली एक्टिविटी जो 3.1 थी उसमें अपीयरेंस हमने देख ली कि क्या सा कलर था,
3.2 में हमने क्या किया था, कटिंग किया था शार्प टूल से, तो नॉन मेटल को तो हम कट कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 एक्टिविटी कौन सी थी, हमने मलेबिलिटी की बात करी थी, यानी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नो, इट मीन नॉन मेटल, मलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती। और 3.4 में हमने क्या देखा था डक्टिलिटी, क्या हम इसके वायर बना सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3.1 से 3.4 तक की एक्टिविटी को हमने डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू द नॉन मेटल। इसके बाद 3.6 में हम बात करें कि दीज नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। 3.6 में हमने क्या किया था, बेसिकली कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में केवल हमारा आंसर कौन सा रह जाएगा, ग्रेफाइट, अदर जो नॉन मेटल रहेगी वो कनेक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। अब यहां बात करें कि ऑल मेटल्स की, तो ऑल जो मेटल्स हैं उसमें जो मरकरी रहता है वो किस फॉर्म में रहेगा, एक्जिस्ट ऐसा लिक्विड फॉर्म। सारी मेटल्स तो किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड में, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो सॉलिड में नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। सिंबल की बात करें तो मरकरी का सिंबल क्या रहता है, Hg, ठीक है। तो जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये पुअर कंडक्टर है, सो दैट्स व्हाई मरकरी को हम किस में यूज करते हैं, थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम यहाँ पे, आयोडीन, आयोडीन जो रहेगा वो नॉन मेटल है, और ये भी क्या करेगा, लस्टरस प्रॉपर्टी, यानी कलर देखा था, आयोडीन कलर कैसा रहता है, वॉयलेट रहता है। इसके बाद यहाँ देखें हम गैलियम और सीजियम, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने हाथ से, पाम से हमने इसको टच किया तो ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो हो जाता है, और टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में कि ऐसी कौन सी मेटल है जो पाम पे क्या जाती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो गैलियम और सीजियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन इज द नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की क्या रहेंगी, डिफरेंट फॉर्म रहेंगी, विच हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कलर। तो इट मीन्स कार्बन के एलोट्रोप की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायमंड की हम बात कर रहे हैं। डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इस अर्थ पे बात करें तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, डायमंड, जबकि दिखता कैसा है, मिरर की तरह। हैज अ वेरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा एलोट्रोप की बात करें तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कलर मैंने बताई थी आपको, ग्रे। अब मैं सिंबल की बात करूं तो डायमंड का सिंबल भी क्या रहेगा, सी रहेगा, ग्रेफाइट का सिंबल भी क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि ये एलोट्रोप्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं रहेगी। इट मीन फॉर्मूला जब सेम हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम दिखानी है। दोनों के हम सिंबल की बात करें, डायमंड और ग्रेफाइट के सिंबल क्या रहेगा, सी। इट मीन कार्बन के ये डिफरेंट फॉर्म है, तभी हम इसको एलोट्रोप कह रहे हैं। और ये क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एक्टिविटी 3.6 में हमने देख ही लिया। आफ्टर एल्कली मेटल की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो रहती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, इनका लो रहता है। अब एक्टिविटी 3.8 की हम बात करें, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम का हमने रिबन ले लिया और एक सल्फर का हमने पाउडर ले लिया। कलर हम जानते हैं मैग्नीशियम कलर कैसा रहेगा, ग्रे, सल्फर का कलर कैसा है, येलो। नेक्स्ट, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, एंड कलेक्ट द एशेस फ्रॉम एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। हमने मैग्नीशियम को जब भी बर्न करते हैं, यानी कंबशन की बात कर रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे, Mg+O2 क्या बनेगा, MgO। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, और MgO के आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हमने इसको वाटर में डाल दिया, यानी MgO+H2O क्या बनेगा, यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस। एंड वी नो वेरी वेल, जब भी OH आ गया, यानी कैसे नेचर का दिखाएगा, बेसिक नेचर, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर कैसा रहता है, वाइट, और इस व्हाइट पाउडर को मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे बेस बन गया। तो अब हम क्या लेके जा रहे हैं कि लिटमस पेपर लेके जा रहे हैं, रेड और ब्लू। तो इट मींस बेसिक नेचर का है, तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, जबकि ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है।
इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक या बेसिक? इट मीन क्या रहेगा, ये बेसिक रहेगा, रीजन हमने इक्वेशन से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम किसको बर्न कर रहे हैं, सल्फर को। बर्न का मतलब कंबशन, सल्फर प्लस ओ टू क्या बनेगा, एसओ टू। अब हम क्या करेंगे, एड सम वॉटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद द ब्लू एंड रेड लिटमस। अब मैं SO2 को किसमें डिजोल्व कर रहा हूँ, वाटर में। तो जब H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, और एसिड है तो यहाँ पे ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जबकि रेड लिटमस की बात करें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सल्फर को जब हमने बर्न किया यानी SO2 गैस बनी, इसकी नेचर कैसी थी, एसिडिक थी। ओके तो आई होप आपको एक्टिविटी 3.8 समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने फॉर्मेट देखा कि जो मेटल था ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो हम यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और इसका कलर हम चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं, क्या कलर रहता है यहाँ पे, ब्लैक कलर रहेगा। ओके इसके बाद हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो रहेगी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से अपने आप ही रिएक्ट कर लेती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, Al2O3। इसका नेम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो यानी ड्यूल नेचर का है। तो जब ड्यूल नेचर का होगा तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अगर दोनों से ये रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। तो इट मीन्स Al2O3 जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी। और वीनो वेरिएबल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। और वीनो वेरिएबल एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली जब बेस रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो एसिड और बेस गेट करके क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली हम ZnO की रिएक्शन करवाएं, जिंक ऑक्साइड, ये भी एक एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। और मुझे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इसको एक्सप्लेन करना है, यानी मैं HCl से रिएक्ट करा रहा हूँ। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, यानी ZnCl2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। सिमिलरली ZnO बेस से भी रिएक्ट करेगा, बेस यानी NaOH से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे Na2ZnO2 और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन, वही कंसेप्ट, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इट मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब नेम की हम बात करें, जैसे NaAlO2 का नाम क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट, ऐसे Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो नेम भी हमको याद करना है कि इनके नेम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो दो हमारे पास ऑक्साइड ऐसी नेचर के हैं, किस नेचर के, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इट मीन्स यहां हम बात करें कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिकली किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किसी की भी नेचर एसिडिक और बेसिक निकाल ले तो उसको उठा के हम किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। तो जनरली अगर हम देखा जाए कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन सम मेटल जो होती है लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगी, एसिडिक भी और बेसिक भी, यानी एम्फोटेरिक। इसके बाद हम बात करें जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या रहेंगे, इनसॉल्यूबल रहेंगे इन वाटर में, बट सम ऑफ दीस आर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, यानी जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होगा, दिस बेस इज नोन एज एल्कली। लाइक एग्जांपल की बात करें, Na2O गिवन है, Na2O वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH, और ये जो NaO जो था वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल रहता है। तो NaOH बेस भी है और इसको हम एल्कली भी कहेंगे। ओके हम यहां बात करें कि जो मेटल्स हैं सच एज पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम का सिंबल क्या रहेगा, के रहेगा, और सोडियम का सिंबल क्या रहेगा, Na रहेगा। रिएक्ट करेंगे विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन। तो केरोसिन के अंदर हम कौन कौन सी मेटल को रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या रहते हैं, रिएक्टिव रहते हैं।
इसके बाद हम बात करें जो मैग्नीशियम रहेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर। ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा जो उसको फर्दर कोरोजन से बचाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम भी यही करता है और जिंक भी यही करेगा। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन ही। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंग ऑन इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। इट मींस जो आयरन रहेगा वो फर्दर हमको यहाँ पे जो रहेगा स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ेगा। आयरन के लिए हमारे को स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है और कॉपर के लिए प्रोलॉन्ग हीट करना पड़ेगा। और हमने देखा भी था जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड था उसका कलर क्या था, ब्लैक कलर था। जबकि सिल्वर और गोल्ड की बात करें, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस पेज नंबर पे एक इंटरनल क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग। तो ये एनोडाइजिंग बोर्ड में आया हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम पे हम किसकी लेयर चढ़ा देंगे, ऑक्साइड की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनोडाइजिंग कहलाएगी। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू द एयर। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हम क्या करें कि एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल को हम क्या बना लें, एनोड बना लें, और इसको हम किसमें डिजोल्व कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो उस पर अपने आप से ऑक्सीजन की लेयर बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगी। दिस प्रोसेस नोन एज एनोडाइजिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन है, तो क्या फॉर्मेट है। मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, पहले मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, फर्दर मेटल ऑक्साइड वापस वाटर से रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इट में रिजल्टेंट हम बात करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम जो है वाटर से विगोरसली रिएक्ट करेगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। सिमिलरली सोडियम भी वाटर से हाईली क्या करेगा, विगोरसली रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे OH बन रहा है। और हीट का क्या होगा, यहाँ पे इवोल्यूशन होगा। और इससे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम फायर को कैच कर लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है कैल्शियम का, कि कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इज अ लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इट मीन जब हम कैल्शियम को वाटर में ऐड करेंगे, बनना तो वही है OH का फॉर्मेशन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, लेकिन अब की बार यहाँ पे आग नहीं लगेगी। लेकिन अब क्या होगा, कैल्शियम जो करेगा फ्लोटिंग करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। अब रीजन क्या है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो उसकी मेटल की सरफेस से क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। तो ये कैल्शियम जो रहेगा फ्लोटिंग करने लग जाएगा। सिमिलरली जो मैग्नीशियम रहेगा वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बट हॉट वाटर से हम बात करें, मैग्नीशियम के लिए हम हॉट वाटर से बात करें, तो वापस से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये भी मैग्नीशियम मेटल भी क्या करने लग जाएगी, फ्लोटिंग करने लग जाएगी। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो वाटर में फ्लोट करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दोनों मेटल के नेम आपको याद रखने हैं कि कौन सी मेटल जो रहेगी वाटर में फ्लोट करेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब हम यहां बात करें कि जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, डू नॉट रिएक्ट विद आइदर द कोल्ड वाटर या हॉट वाटर। ये किससे रिएक्ट करती है, स्टीम से। और जैसे स्टीम से रिएक्ट करेंगी तो यहां पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड में आया हुआ है। तो स्टूडेंट को क्या याद रह जाता है कि फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन कौन सी मेटल है यहाँ पे, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो रहेगी वो स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करती है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। और कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करेंगी, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगी ना ही एसिड से रिएक्शन करेंगी।